मंगलवार की शाम अयोध्या के श्री राम मंदिर परिसर में गोली चलने से हड़कंप मच गया। घटना में मंदिर परिसर सुरक्षा में तैनात प्लाटून कमांडर को खुद के AK-47 से गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की आवाज सुनते ही मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं में भगदड़ ना हो इसके चलते वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने जैसे तैसे हालात काबू में किए। वहीं जिस पुलिसकर्मी को गोली लगी थी उन्हें सबसे पहले श्रीराम अस्पताल लाया गया, जिसके बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए तुरंत लखनऊ रेफर किया गया। खबरों की माने तो ये हादसा मंगलवार की शाम परिसर में स्थित चौकी में हुआ था। हादसे में घायल होने वाले 53 साल के राम प्रसाद PAC के 32वीं बटालियन के प्लाटून कमांडर के पद पर इन दिनों श्री राम मंदिर परिसर की सुरक्षा में तैनात हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम करीब 6:15 बजे राम प्रसाद अपने साथी जवानों के साथ राम मंदिर परिसर में ही बनी चौकी पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए थे कि अचानक असलहा साफ करते समय उनकी अपनी AK-47 से अचानक गोली चल गई। गोली सीधे उनकी बाई तरफ सीने में लगी और आर पार हो गई। गोली लगते ही राम प्रसाद गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े। प्लाटून कमांडर श्री राम प्रसाद जी को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। जब वे अपने ऑफिस में बैठे थे उस समय जानकारी हुई थी कि उनको यह गोली लगी है। सूचना मिलते ही तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हॉस्पिटल में, जहां दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में उनको उपचार के लिए जाया गया था, वहां जाकर के डॉक्टरों से वार्ता की गई। प्राथमिक उपचार के बाद उनको वहां से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ भेज दिया गया, जहां पे वर्तमान में वह इलाजरत हैं। समय उनका ऑपरेशन हो रहा है। जांच अधिकारियों की माने तो जवानों ने तुरंत शीर्ष अधिकारियों को सूचित करके घायल राम प्रसाद को राजकीय श्रीराम अस्पताल पहुंचाया, जहां से शुरुआती इलाज के बाद उन्हें करीब 1 घंटे बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां जनरल सर्जन SP बंसल ने ऑपरेशन करके उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। अभी भी कमांडो की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो प्लाटून कमांडर की ऑपरेशन के दौरान मेडिकल कॉलेज परिसर छावनी में तब्दील कर दिया गया। IG प्रवीण कुमार, CRPF कमांडेंट छोटे लाल, SSP राजकरण नैयर समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी खुद घटना स्थल पर मौजूद रहे। श्री राम मंदिर परिसर के हाई सिक्योरिटी जोन में अचानक गोली चलने की आवाज से परिसर में हलचल मच गई। वहां आए हजारों श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए वहां के हालात को संभाला और श्रद्धालुओं को समझा बुझाकर मामले से अवगत कराया, ताकि बड़ी अनहोनी होने से रोकी जा सके। वहीं मामले में आगे की जांच की जा रही है। इसका सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का मुआयना किया गया। मौके को देख करके फील्ड यूनिट की ऑब्जर्वेशन और फील्ड यूनिट से बात करके, इसके अतिरिक्त जो भी डॉक्टर हैं जिन्होंने श्री राम प्रसाद जी को ट्रीट किया, उनसे वार्ता करके एंट्री एग्जिट वुंड को देख करके प्रथम दृष्टया यह मामला एक्सीडेंटल फायरिंग का लग रहा है। बाकी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी आगे प्रगति होगी, एक बार स्वयं प्लाटून कमांडर राम प्रसाद जी से डॉक्टर हमको वार्ता करने देंगे इलाज के बाद, तो आगे के जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। घटना में घायल हुए PAC के 32वीं बटालियन के प्लाटून कमांडर राम प्रसाद के बारे में बताया जा रहा है कि वे मूल रूप से अमेठी के रहने वाले हैं, जो करीब 1 साल पहले ही लखनऊ से अयोध्या की ड्यूटी पर लगाए गए थे। उनका परिवार लखनऊ में रहता है। हादसे के बाद परिजनों को भी खबर की गई है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।